10 ऐसे बड़े एक्टर बता रहा हूँ जो आने वाले टाइम में विलन का रोल प्ले करने वाले हैं, और इनकी मूवीज कोई छोटी मोटी मूवीज नहीं होने वाली हैं, बल्कि ये मूवीज बहुत बड़ी होने वाली हैं और पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली हैं। नंबर 1 बॉबी देओल। वेल, एनिमल मूवी के बाद इनकी फैन फॉलोइंग कुछ अलग लेवल की चली गई है। जहां बॉबी देओल को नेगेटिव रोल में देखने के बाद फैंस ने उनसे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है, तो वहीं बॉबी देओल आ रहे हैं एक अगली मूवी में एज अ विलन बनकर, और वो मूवी होने वाली है कंगूबा, जिसमें लीड रोल प्ले करने वाले हैं सूर्या। और अगर इसमें बॉबी देओल की बात की जाए तो उनका बहुत तगड़ा वाला रोल होने वाला है, और मूवी मेकर्स ने भी इनके लुक पर बहुत ज्यादा काम किया है, जिसे देखने में काफी मजा आएगा। नंबर 2 सूर्या, जो कि विक्रम 2 में एक नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। वेल, विक्रम 1 में उनका थोड़ा सा कैमियो दिखाया गया था, जहां उनके नेगेटिव रोल को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। अब वो फाइनली तैयार है विक्रम 2 में एक बहुत बड़े विलन का रोल करने के लिए। अगर इस मूवी की बात की जाए तो ये लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा है, और ये मूवी इस यूनिवर्स का एंड गेम होने वाली है, जिसमें लियो विक्रम दिल्ली एक साथ नजर आएंगे, और वो भी सूर्या के अगेंस्ट, जिसे देखने में काफी मजा आने वाला है। फिर उसके बाद बारी आती है रणबीर कपूर की। वेल, एनिमल मूवी से अपनी छाप छोड़ने के बाद अब रणबीर कपूर तैयार है नेगेटिव रोल के लिए, जहां पर वो एनिमल मूवी के पार्ट 2 बोले तो एनिमल पार्क में एक नेगेटिव रोल करते हुए नजर आएंगे। नंबर 4 पर आते हैं अर्जुन कपूर। एज अ एक्टर फ्लॉप होने के बाद अब इन्होंने दूसरी पारी की शुरुआत की है एज अ विलन, जो कि सिंघम 3 में एज अ विलन नजर आएंगे, और इनके लुक पर भी बहुत ज्यादा काम किया गया है। बहुत खतरनाक विलन का लुक होने वाला है, जिसके लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और फाइनली सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी इनके ऊपर। क्या ये विलन का रोल बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हैं? अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दो। नंबर 5 जूनियर NTR। वेल, RRR से पूरी दुनिया में तहलका मचाने के बाद और एक तरह से पैन इंडिया लेवल के स्टार बनने के बाद अब जूनियर NTR तैयार है एक नेगेटिव रोल प्ले करने के लिए, वो भी ऋतिक रोशन के सामने। तो इनकी आने वाली मूवी है बॉल 2, जिसमें ये विलन का रोल प्ले करेंगे और इनके अपोजिट होंगे ऋतिक रोशन। वेल, ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर NTR देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसको लेकर भी फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। नंबर 6 पर आते हैं रॉकिंग स्टार यश। वेल, KGF से पूरी दुनिया में तहलका मचाने के बाद अब यश भी तैयार है नेगेटिव रोल प्ले करने के लिए। जहां पर बड़े बड़े एक्टर जब नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो यश ने भी सोचा होगा कि वो एक बार नेगेटिव रोल क्यों ना ट्राई करें। और ये मूवी होने वाली है बहुत तगड़ी, जो कि है रामायण, जिसमें यश रावण का रोल प्ले करते नजर आएंगे। और वहीं राम का रोल की अगर बात करें तो उसमें रणबीर कपूर नजर आने वाले हैं। वेल, यश की अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो इसके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, पॉइंट वाली बात ये होने वाली है कि यश रावण के रोल में कैसे नजर आएंगे, इसके लिए भी फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वेल, इस मूवी के लिए अभी बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। फिर बारी आती सैफ अली खान की। तो ये बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले आदि पुरुष में विलन का रोल प्ले किया था। हालांकि ये मूवी इतनी तक कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने हिम्मत फिर भी नहीं आ रही। आने वाली मूवी में ये फिर से एक बार विलन के रोल में नजर आने वाले हैं, और वो मूवी होने वाली है देवारा, जिसमें इनके अपोजिट होने वाले हैं जूनियर NTR। वेल, अगर इस मूवी की बात करी जाए तो ये मूवी बहुत ज्यादा एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें सैफ अली खान और जूनियर NTR दोनों के लुक पे बहुत ज्यादा काम किया गया है, और इन दोनों के लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये मूवी इसी साल रिलीज होने वाली है। फिर इसके बाद बारी आती है संजय दत्त की। वेल, संजय दत्त बहुत पहले से ही विलन का रोल प्ले करने लगे हैं, और उनको इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस भी मिली है, मतलब वो एज अ विलन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी साल आने वाली मूवी डबल स्मार्ट शंकर में वो फिर से एक बार विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। वेल, संजय दत्त के बारे में ज्यादा बात मत करो, क्योंकि हम इनका पहले ही विलन का ओहदा देख चुके हैं, जो कि बड़ा मजा आता है इन्हें देखने में। तो इसलिए इस मूवी में भी संजय दत्त बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले करेंगे। फिर उसके बाद बारी आती है कमाल हसन सर की। तो इस साल की सबसे बड़ी मूवी प्रोजेक्ट के में ये एक विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। वेल, ये काली के अवतार में नजर आएंगे, इनके सामने होंगे प्रभास। अगर बात करें जहां प्रभास सुपर हीरो होने वाले हैं, तो वहीं ये सुपर विलन होने वाले हैं। वेल, इस मूवी को लेकर फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और ये मूवी इसी महीने में रिलीज होने वाली है। फिर इसके बाद इस लिस्ट के सबसे लास्ट नंबर पे आते हैं राघव लॉरेंस, जो कि आने वाली मूवी थलाइवर में एक विलन का रोल प्ले करेंगे, और इस मूवी में लीड रोल प्ले करने वाले हैं रजनीकांत, जो कि एक्शन क्राइम गैंगस्टर मूवी होने वाली है। वेल, रजनीकांत सर को एक बार फिर देखना, उनके सामने राघव को देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। वेल, इस मूवी के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी 2025 में रिलीज होगी, पर इस मूवी की भी बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है। तो ये थे टॉप 10 वो बड़े एक्टर जो आने वाले टाइम में विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। तो इनमें से आपका फेवरेट विलन कौन सा होने वाला है, अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो।